पठान फिल्म का शाहरुख खान हो रहा, साले बायकॉट कर दूंगा यहीं पे ही। मालिक ने गया है, आज जितनी देर तक हम काम करेंगे मालिक उतने ही पैसे ज्यादा देगा। तू टेंशन मत ले, आज लाते बाला बजे तक काम तलन दे। उठवा चल। टिल्लू तू भाग के जाके रस्सी ले गया, तब तक मैं इसे बचाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। तुम्हारे साथ ये किसने किया? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन तुम बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम एनआर है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यही के एक पास के गांव में नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पाँव में से नक्शा निकालो। पाँवों में तो धुंधलू और पादेव हो गए। अभी तू जाके देखना। बेवकूफ, नक्शा पांव के जूते में है। मिल गया। ये किस चीज का नक्शा है? देखो मेरे पास वक्त बहुत कम है, यही वो नक्शा है जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे मार के फेंका। लेकिन इस नक्शे में ऐसा है क्या? जादू ही खजाना और 350 सोने की ईंट है। 350? हाँ, एक ईंट टूटी भी है ना। और इस जादू खजाने को कितना भी खर्च कर लो कभी खत्म नहीं होता, और मैं नहीं चाहता कि एक खजाना किसी गलत आदमी का हाथ लगे और वो इस दुनिया पर राज करे। समझ गया। लेकिन याद रहे, उस खजाने को हासिल करने में तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। उसकी टेंशन मत लो, तुम सारा दिन इस खतरनाक जंगल में लकड़ी का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, कुछ लोग तो झूठ बोलते हैं और कुछ लोग मुंह भर का झूठ बोलते हैं, लेकिन तुमने तो झूठ का ट्रक ही पलट दिया भाई। जानवर की टट्टी, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। समझ गया। अब जाओ, इस खजाने को हासिल करना, सैनसाओं की जिंदगी जीना और गरीबों की मदद करना। अभी ये सच कह रहा था क्या? अले तुझ भी थे ना तैलिया था, ये थाला दलियल थुत तो मल दिया और हमें मनने थी प्लानिंग बता दिया। अरे ये खजाना हासिल करके कितने अमीर होंगे हम, जरा सोच। अले थोड़ा लिया हूँ, मालिक पिठवाले में दंदा दलता मुँह मत निकाल देगा। और अगर नौकर बन के रहेंगे तो मालिक वाले सपने कभी पूरे नहीं होंगे। चल ठीक है। जगीरा भाई, जैसे तुमने कहा था कि शानावाज अगर मुंह न खोले तो उसको मार के फेंक देना। आगे बोलो। हमने उसका साथ ऐसा ही किया, लेकिन नक्शे का फिर भी पता नहीं चला। नहीं, तो कहा गया वो नक्शा? जमीन खा गई या आसमान निकल गया, तुम नहीं जानते वो नक्शा मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर वो नक्शा मुझे नहीं मिला तो मेरे पाप का सपना सपने रह जाएगा और मेरा भी
कैसे भी करो, कुछ भी करो, उस नक्शे को ढूंढो। और इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। यार कहां रह गया? मैं साले कहां रह गया था? मैं सूरज ढलने से पहले पहले हमें इस जंगल को पार करना होगा। जल्दी चल, 5 मिनट लूट तलवा तो लोना थाईती लेता लिया उत्ते तलंदे। साले तेरा बाप जंगल में साइकिल चला गया, तेरी माँ हाईवे निकलवा रखा इस खजाने के एड्रेस पे। थाई टेलिया, 1 मिनट लूट, मैं उत्तर मना तलते आया। मोटे दिमाग बावली है बिल्कुल, चल। हेलो गाइस, वीडियो का बनाने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और श्री डेला। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। यहाँ आप 1000+ लाइव गेम खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान डेली विनिंग टीम की प्रिडिक्शन करें और डेली जीते। ये आपको सबसे फास्ट सर्विस प्रोवाइड कराता है और आप अपनी विनिंग अमाउंट इंस्टेंट अपने अकाउंट में पा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर और प्रमोशन भी मिलते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, Royal Enfield एंड Samsung Galaxy S22 Ultra जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। फकीरा भाई, अबे फकीरा ना जगीरा। हाँ वही, मुझे ना लगता वो नक्शा हमें कभी मिल पाएगा। भाई उस खदाने ते तत्तल में तयम खोना जाए, अभी तो मेरी थादी भी नहीं हुई। उस नक्शे के हिसाब से हमें पूरब या पश्चिम की ओर जाना होगा। मैं नक्शे में देखता हूं। ओह, इसका मतलब हमें दक्षिण की ओर जाना होगा और वहां पर एक शैतानी जंगल बनेगा और उस शैतानी जंगल में एक जमीन के अंदर किला है जहां पर वो खजाना दफन है। तो तले फिर ठहरो। दमीर उस्ताद बताते थे जो भी उन जंगलों की तरफ गया वो कभी बचकर वापस नहीं आया। मतलब उन जंगलों में जंगली जानवर और जिनों का साया है और भूत है। अबे तू टेंशन मत लिया नाल, बंदूक हाथ लेते आया हूँ। अरे वाह क्या बात है भाई, मोटे दिमाग। मैं क्या खागे पैदा करा तेरी माना तुझे? गलीब आदमी है था, तकनी था ही होगी, दूल दवल तो मिलने तलाया। मैं गुड़ गोबर ही खाया होगा, गुड़ तू है ही और गोबर तेरे दिमाग में भरा हुआ। मैं साले भूत भी कोई बंदूक से मरता होगा क्या? चल। बे टिल्लू, खजाना मिलने के बाद सबसे पहले मैं खरीदूंगा रेलगाड़ी और रेलगाड़ी की पटरी। तू बता क्या? भाई मेली तो फत्ते फिलोवल हो गई। अबे डरा मत, आंखें बंद कर ले और अच्छा अच्छा सोच। आलतू जलालतू आई बला को टाल तू, आलतू जलालतू आई बला को टाल तू। अस्सलाम वालेकुम। यू यू यू। वालेकुम अस्सलाम। अबे भाग बेटे भूत, अबे जल्दी चल घर को भाग। अबे क्या हुआ? चल भाई इतने आधे ना जाऊंगा मैं। बस निकल गई तू फैल गिरी। भाई 2 मिनट और लुटता तो मेरी तत्ती निकल जाती। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास भी है। हाँ जानता हूँ एयरटेल है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है? यही तो आइडिया है। चल जल्दी से अपना रुमाल निकाल। ये ले, अगर वो फिर से दिखाई दे तो सालों को बिना डरे ही रुमाल सुखा देना और सालों को बेहोश करके यही पेड़ों से बांध देंगे। वाह क्या आइडिया है। आजा। यार पता नहीं हो थदाने तक हम पौध भी पाएंगे या उससे पहले ही हम निपट जाएंगे। अबे भटियारे अच्छा सोच, अच्छा ही होगा। नहीं यार वापस चलते हैं, भगवान ने जितना दिया है उतनी में थूत लेना चाहिए। तेरी बात सही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो ऊपर वाले के भी खिलाफ है, इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और वैसे भी हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं। बोल। सही बात है, चलो। Yeah.
ये तो ने बतला। लिम्डा, दूसरा स्टाइल मीन। अबे मारा बहन कोकू। एक मिनट। बंदूक निकाल बंदूक। और निकालो सुअर वाली आवाज है करके। और तू बस फट गया चूता। भाई साहब गलती हो गई। ओहो गलती, अभी तो बहुत बड़े बाहुबली के समान बने फिर रहे थे हैं वही। थालो थुताल तलो बंदूक में डोली ना है, नहीं तो यहीं डोली मार दे। अबे रेटल भाग, अबे भाग, अबे पकड़ो सालों को। अरे लोखड़ू, अबे जब बंदूक में गोली ना तो इसे लेके क्यों आया साले? डोली तो है जेब में। अबे यार चल आजा। मुर्दा चिल्लाया, कफन फाड़ के चिल्लाया, शमशान घाट के मुर्दो आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे। सब भाग गए। अबे सालो बच गया यार। तुन भाई अब मेरे बत्ती तलना ना है। अबे थोड़ी दूर और चलना होगा हमें, वरना वो भोले वाले, मेरा मतलब वो बोरी वाले फिर आ जाएंगे साले। चल चलो। टिल्लू हाँ, हम किले के पास बस पहुंचने वाले हैं। अटिया इधर से चलते हैं। भाई क्या है? टट्टी लग रही। मेरा तेरी बहन का पजामे भी हग लिया दिखा है, मैं किसे साथ ले आया? किसने किया ये? तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो दोनों मारे जाओगे। भाई इतना मतलब हमें यहाँ से तले दाना चाहिए? तू पागल हो रहा है? मंजिल तक आके मंजिल से वापस लौट जाए। इस जंगल के बाद बस कुछ दूरी पर वो किला है। अरे वो दंडल में ही तो मंडल होता। अरे कुछ नहीं होगा, चल आजा। एक इस पेड़ के पीछे छुप रिया और एक इस पेड़ के पीछे छुप रिया, तुझे भी आई स्पाइस और तुझे भी आई स्पाइस, दोनों आ जाओ बारह को। जिन बात से हमें माफ कर दो। अरे तो भाड़ूया लेने क्या आए हो? अरे वो खजाना लेने आए हैं। है खजाना? अबे तोतले, तेरा बाप छोड़ के गया खजाना है तेरी माँ? ऐसी बात नहीं है, हम पहले से पैसे वाले हैं। अरे भाड़ू, बाप मर के रिक्शा चलाते चलाते। अभी से कैसे पता चला मेरे पापा रिक्शा चलाते थे? मुझे पता। अबे चुपचाप चले जाओ वरना गाड़ पे ते चप्पल हो जाऊंगा, टट्टी ना उतरने की 6 महीने तक भी। जिन बादशाह, हम उस खजाना को हासिल किए बिना नहीं जाएंगे, अगर गए तो मंजिल बुरा मान जाएगी। पूरा पठान फिल्म का शाहरुख खान हो रहा, साले बायकॉट कर दूंगा ही पे। और हाँ, उस खजाने को सिर्फ वही हासिल कर सकता है जिसके पास नक्शा होगा। है गा नक्शा? लेकिन नक्शे के साथ तो सवालों का जवाब भी देने होंगे, अगर जवाब गलत हुआ तो खजाना जल के राख हो जाएगा। मंजूर है। पहला सवाल, अमेरिका में एक बच्चे का जन्म हुआ तो बताओ उसके दांतों का रंग कैसा होगा? बटिल्लू, अबे यार मैं तो कभी दिल्ली भी ना गया, अमेरिका तो बहुत दूर की बात। अरे मैं तो मोलादाबाद भी ना गया। जिन बादशाह, दरअसल हम कभी अमेरिका नहीं गए तो ये सवाल बदल देते।
सवाल नहीं बदला जाएगा बच्चे, मेरे तीन गिनने से पहले अगर तुमने सवालों का जवाब नहीं दिया तो आगे तो तुम जानते ही हो। जिन बादशाह एक बात बताओ, तुम्हारा एक रुपया हड़ा हुआ क्या? मैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत ही ना होते, कलर क्या घंटा होगा। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के चढ़ती है और उतरती है? अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, थला। समझे, वो है शराब, रोज नाले में से उठाकर लाऊं मैं इसे शाम को। अब ये तो शराबी निकला। ठीक है, अब तुम इस रास्ते से जा सकते हो। लेकिन नक्शे में तो इधर का रास्ता है। वो बेटे, इधर की सड़क बंद नहीं ना, तो रास्ता बंद है, इधर को जाओ, चलो जल्दी जाओ, निकलो। चलो आतिल ताल, हम थदाने तक पहुंची दे। कहा था ना, मेहनत करने वालों की कभी हार। अबे यहाँ पे तो कोई रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब जिन ने हमसे झूठ बोला था, सैलाब बहरूपिया था वो भी। या लनाल, वो थदाने तो हम तो ढूंढ ही लाए, वो थैले भूत भी ढूंढ लाए। जल्दी चल, हमें वापिस चलना होगा। यार आखिर वो किला है कहाँ? इस नक्शे के हिसाब से हमें इधर को चलना है। अबे यार आखिर वो किला है कहाँ? वो देख किला। अबे हाँ बे, यही तो वो किला है। Yeah! आजा चलो। इधर चलते हैं। नहीं यार, हमें ऐसे डर के भागना नहीं चाहिए। तूने अलादीन की कहानी सुनी है? सुनी है भाई, देखी भी है। देखी है ना, उसमें अलादीन को वो चिराग हासिल करने के लिए कुछ सवालों को जवाब देने पड़ते हैं, तो क्या पता मैं ये खजाना हासिल करने के लिए उन भूतों से लड़ना पड़ा। भाई क्या यार, बेटे भी मेला हाथ से बहुत दिन से तीसरी दिन लड़ाई नहीं हुई है। चलो चला जा। इसी खजाने की तलाश थी मुझे, और आज जाकर मेरा और मेरे पाप का सपना पूरा हुआ है। मेरा पाप मर गया इस खजाने को ढूंढते ढूंढते। और अब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे, राज। ओ, तो रेंट वो तुम हो वो भूत? और ये बताओ, बिना नक्शे के तुम इस खजाने तक पहुंचे कैसे? इसका मतलब हमें दक्षिण की ओर जाना होगा, और वहां पर एक शैतानी जंगल पड़ेगा, और उस शैतानी जंगल में एक जमीन के अंदर किला है जहां पर वो खजाना दफन है। तो तले फिर ठहरो। दमीर उस्ताद बताते थे, जो भी उन जंगलों की तरफ गया वो कभी बचकर वापस नहीं आया। मतलब उन जंगलों में जंगली जानवर और जिनों का साया है और भूत है। भूत? तुम्हारी माँ के चू। अबे तू टेंशन मत लिया नाल, बंदूक हाथ लेते आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है भाई, मोटे दिमाग। इनसे पहले हमें उस किले में पहुँचना होगा। लेकिन बिना नक्शे के हम इनसे पहले पहुँचेंगे कैसे? पहुँचेंगे, लेकिन पहले इन्हें घर वापस भगाना होगा। अब जैसा मैं बोलता हूँ वैसी करो। वो देख, उन दोनों को कैसे भी करके आगे जाने से रोकना होगा।
हेलो, तुम लोग खुदाई चालू रखो, मैं तब तक इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। ऐसे पहुंचे? बहुत कोशिश की भी तुम इस खजाने तक ना पहुंचो। कभी हम आदि मानव बने, कभी मैं जिंद बना, कभी अलाना फलाना, लेकिन तुम भी बहुत बड़ा वाले सुअर हो भाई, पीछे छोड़े ही ना। लेकिन अफसोस, अब जब तुम आ ही गए हो तो मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी भैया। अबे तुम क्या देख रहे हो, रेटवा मारो। अब इंडिया के अंदर ना अडानी ना अंबानी, अब जलो बकरेंगे हिंदुस्तानी। मेरी जान दो ईट है, लेकिन मुझे लगा वो मरता मरता भी झूठ बोलिया। वो तो साला तीन ईटे बता रहा था, दो ईटे इसमें दूध बोल लिया था साला। आगे चले गए। हेलो गाइस, सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी। बिकॉज वीडियो में तुम्हें पता बहुत मेहनत होती है, और सो इस वीडियो में बहुत मेहनत हुई है। हर बार हम कोशिश करते हैं आपको कुछ नया दिखाने के लिए, आपको एंटरटेनमेंट अच्छे से कराने के लिए। सो गाइज यार, आप भी थोड़ी सी मेहनत को समझ लिया करो यार। सो ये जो ब्लैक वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे वाइट कर दो यार, और बेल आइकन ऑन कर लो यार। सो गाइज आप ये बताओ, जो वीडियो थी इसमें लास्ट में एक सीन दिखाया गया था, भागते भागते बंदा गायब हो जाते हैं, कुछ शक्ति आदि गायब हो जाती है, तो वो बताओ मेंस कहाँ गए होंगे, क्या टॉपिक है इस वीडियो का, मकसद आगे का समझो, कुछ तो कमेंट्स करके बताओ जो तुम्हारे माइंड में आ रहा हो। क्या पता उन कमेंट्स से हमें कुछ नॉलेज मिले और हम कुछ काम अच्छा बेहतर करें उस पर। सो कमेंट्स करके बताना गाइज। बाकी और पार्ट हैं काफ़ी सारी वीडियो के, अगर उनमें से कोई आपको नया चाहिए तो वो भी बता देना कि हाँ भाई उसका एपिसोड 2 लेकर आओ, तो गाइज वो भी कमेंट्स करके बताना। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार। नवी विपिन बिल्कुल भाई, सपोर्ट करो, लाइक। बाकी भाई वीडियो कैसी थी वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना गाइज, ठीक है। लव यू, बाय बाय। चलो भाई कैमरा मैन भिजिए।